suggest us some ethnic styling tips for Durga Puja. Sure. Durga Puja, as you know, it's a very traditional festival. Hum generally Durga Puja mein sarees zyada prefer karte hain. Young generations prefer funky, beautiful Indo-Western kind of sarees. Aur generally aged ladies, they didn't white pehenna bahut pasand karte hain, light colored sarees with big borders pehenti hai. And I would suggest that if you are looking for going for Durga Puja pandal hopping, going to see Durga Puja, aap achhe sarees, cottons ke, linens ke, and whatever you like fabrics you can use, you can buy, and you can check out in Craftsvilla and you'll find various beautiful collections there. And as you have seen that I am wearing a typical ethnic wear sari, a typical inbong style, Bengali style, jo hum ashtami mein pehante hain, a silk sari with a gold, golden zari and red border and heavy gold jewelries. That is our basically, you can say, a trademark of Durga Puja Ashtami look. Navami means at evenings, generally during Durga Puja, thoda jazzy pehante hain, colorfuls pehante hain, like greens, reds, blacks, blues, etc. जैसे आप बहुत पेशेंट सीते हो, आप ग्रूमर भी हो, आप हमारे दर्शकों को कुछ ग्रूमिंग टिप्स दीजिए जिससे वो इजी टू फॉलो हो जाए और नोटिसेबल भी हो। जरूर। और मैं क्योंकि मैं ग्रूमर हूँ, मैं पेजेंट्स भी ला रही हूँ बहुत सारे, इसलिए मैं ये कहना चाहूँगी कि ग्रूमिंग का सबसे इम्पोर्टेंट टिप होता है आपका कॉन्फिडेंस। आपको खुद पे बहुत कॉन्फिडेंस होना ज़रूरी है। बाकी कौन क्या देख रहा है, कर रहा है, आपको ध्यान नहीं देना है। यू हैव टू ब्रिंग कॉन्फिडेंस इन योरसेल्फ। सबसे बड़ा ग्रूमिंग टिप होगा कॉन्फिडेंस। आप कॉन्फिडेंस रख के स्टेज पर चलेंगे या फिर किसी भी जगह जाएंगे, आपका जो ब्यूटी है वो इन्हांस हो जाएगा। सेकेंड ग्रूमिंग टिप विल बी कैरी योरसेल्फ वेल। जो भी आप क्लोथिंग पहन रहे हो, यू शुड बी एबल टू कैरी इट वेरी नाइसली विथ एलिगेंस। आपका साइज, शेप, कॉम्प्लेक्शन, हाइट कुछ भी मैटर नहीं करता है। इफ यू आर कॉन्फिडेंट एंड यू आर एबल टू कैरी योरसेल्फ, दैट इज एवरीथिंग फॉर यू। इट गिव्स द बेस्ट अपीयरेंस। थर्ड ग्रूमिंग टिप विल बी योर यूनिकनेस। You have to be unique. Everybody is unique in their own way. Just find out your uniqueness. What is the best quality you have in yourself? उसको आप अच्छे से उसके ऊपर work करिए, खुद को groom करिए उसके around, और आपका uniqueness को बाहर लाइए, आपके talent को बाहर लाइए। ये तीन चीज जब आप mix करोगे, you will win anywhere you go. You will win heart like anything. Wow! Thanks for the information. अभी आपने क्लोथिंग टिप्स दे दी है, अभी आप कुछ इजी मेकअप टिप्स दीजिए सो दैट वो लुक पूरा हो जाए। श्योर। अब अभी जब हमने क्लोथिंग के बारे में बात किया, मेकअप भी बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है कि आप किस तरह से खुद को मेकअप करते हो टू लुक गुड, टू लुक ब्यूटीफुल, और वट एवर वे यू आर कम्फर्टेबल इन डूइंग मेकअप। मैं कुछ ईजी मेकअप टिप्स शेयर करना चाहूँगी आप लोगों के साथ, जिससे कि आपका कम्प्लीट लुक बहुत सुंदर दिखे। Very easy ones. First is, आप कोई भी moisturizer या फिर serum use करें to make your skin hydrated. Then you can use anything, जैसे कि baby cream हो गया या CC cream हो गया या फिर mousse. कुछ brands के बहुत अच्छे आते हैं, आप search कर सकते हैं net पे, काफ़ी सारे vlogs and blogs भी है, आप उनमें ratings and reviews check करके अपने हिसाब से ले सकते हो. And then आई मेकअप, आई मेकअप बहुत इम्पॉर्टेंट होता है टू एनहेंस योर लुक, टू डैब इट ऑन अबव योर आईज, या फिर आई शेडोज के वेराइटी ऑफ पैलेट्स मिलते हैं ऑनलाइन एज वेल एज स्टोर्स में। आप देखो आपको जो सूट होता है आपके स्किन टोन को, आप वैसा आप खरीदो और अप्लाई करो। सिंपल ब्रो पेंसिल आप ज़रूर रखिएगा जो आपका आईब्रोज को मैच करे, फास्ट यूजबल ब्रो पेंसिल जो आप जिससे आप अपने आईब्रोज को शेप कर सको, एंड लिपस्टिक दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, या फिर एक लिप ग्लॉस यूज कर लो जो आपको पसंद है, लिप बाम, लिप ग्लॉस और लिपस्टिक, व्हाट विच एवर शेड यू लव यू यूज इट। यूज अ नाइस लिप लाइनर टू आउटलाइन योर लिप्स, उससे क्या आपका जो लिपस्टिक का जो लुक है वो उभर के आएगा। एंड द लास्ट इज योर ब्लश। ब्लश इज नॉट दैट इम्पॉर्टेंट बट वी यूज इट लुक्स ग्रेट। तो आप किसी टाइप का भी ब्लश यूज कर सकते हो, इन पीचेस, पिंकिश शेड्स, मिनी शेड्स आर अवेलेबल।
एंड हाइलाइटर्स हर कोई नहीं यूज करता है, बट आई एम फॉन्ड ऑफ हाइलाइटर्स. अगर आप हाइलाइटर्स यूज करना पसंद करते हो तो आप अपने चीक्स के ऊपर, नोज के ऊपर एंड फोरहेड पे आप यूज कर सकते हो. दिस कंप्लीट्स योर लुक विद अ नाइस हेयर स्टाइल. इट गिव्स अ परफेक्ट लुक. दैट वाज नाइस. आप आए, आपने हमारे दर्शकों को बहुत से अच्छी अच्छी टिप्स दी, ग्रूमिंग टिप्स, मेकअप टिप्स, स्टाइलिंग टिप्स. दैट वाज रियली नाइस ऑफ यू. थैंक यू सो मच. दर्शकों, हमने इंटरव्यू किया है पियाली के साथ और हम आगे भी और बहुत सारे इंटरव्यूज करने वाले हैं फैशन ब्लॉगर्स, स्टाइलिस्ट, मेकअप आर्टिस्ट के साथ. तो हमारे साथ बने रहने के लिए प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब अवर चैनल. ऑल्सो प्लीज फॉलो मिसेस पियाली टोशनीवाल ऑफिशियल.